अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो अपना यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 3.1 के करेंगे और ऑल पार्ट्स भी करेंगे, ठीक है। कुछ भी आज की वीडियो में नहीं छुड़वाऊंगा, सब डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले, मतलब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि ग्रुप की फ़ीस है 1500 रुपये, ठीक है। इस 1500 रुपये में आपको तमाम सब्जेक्ट के नोट्स, गैस पेपर, मॉडल पेपर, गैस पेपर का सॉल्व, मॉडल पेपर का सॉल्व, ठीक है, टेस्ट सेशन, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, इसके अलावा जो है हमारी गाइडेंस और गैस ऐसे का PDF, ठीक है, और लेटर का PDF, एप्लीकेशन का PDF सब मिलेगा ग्रुप में। फीस पर ईयर है, ठीक है, साल में सिर्फ एक बार आपने देनी है। तो आप इस फीस को पे करके हमें बताएं, इंशाल्लाह हम आपको ऐड कर लेंगे। इजी पैसा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, उसी पर आप फीस पे कर दीजिए और हमें बता दीजिए, हम फौरन आपको ग्रुप में जो है वो ऐड कर लेंगे। तो स्टूडेंट, हमारे पास हमारा ये सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। कहा क्या जाता है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग क्वांटिटीज एज स्केलर और वेक्टर। तो क्वांटिटीज आपको साथ लिख के दी हुई है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चार्ट बनाऊँगा जिधर मैं इसमें स्केलर क्वांटिटी लिख दूँगा और इधर वेक्टर क्वांटिटी लिख दूँगा। ये सबसे आसान सवाल है इस बुक का। अच्छा, अब देखो, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटी जिसको बताने के लिए आपको डायरेक्शन ना बतानी पड़े वो स्केलर क्वांटिटी होती है। हाँ, लेकिन बस यूनिट चाहिए हो। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 5, तो आप बोलोगे सर 5 क्या, मैं बोलूँ 5 kg, तो आप समझ जाओगे मास। तो सिर्फ यूनिट चाहिए हो, और वो क्वांटिटी जिसको बताने के लिए यूनिट प्लस डायरेक्शन चाहिए हो, उसको बोलते हो आप वेक्टर क्वांटिटी। मैं बोलूं 10 न्यूटन की फोर्स लगाओ, तो आप जाके लगाना शुरू कर दोगे। चलो सही है, आपने गए 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, आगे चला गया, मार्कर यहाँ आ गया। मैं बोलूँगा गलत, मैंने तो बोला ही नहीं था कि उधर फोर्स लगाओ, मैंने कहा था 10 न्यूटन की फोर्स लगाओ और इसको पीछे ले आओ। तो डायरेक्शन पूछनी पड़ेगी ना आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ चले जाओ, डिस्प्लेसमेंट यानी चले जाओ, अब आप बोलोगे कहाँ जाऊँ, रावलपिंडी जाऊँ, इस्लामाबाद जाऊँ, हैदराबाद जाऊँ, डायरेक्शन पूछ के जाओगे ना। इसी तरह से हर वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ यूनिट चाहिए हो आपको उसको पहचानने के लिए, स्केलर है। हर वो क्वांटिटी जिसमें यूनिट तो चाहिए हो और साथ ही साथ फिर आपको डायरेक्शन भी पूछनी पड़ जाए कि क्या किस डायरेक्शन में काम करूँ, तो वो आपको वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली चीज़ दी हुई है फोर्स, स्केलर है या वेक्टर। अभी तो मैंने समझा दिया आपको कि फोर्स आपके पास एक वेक्टर है, क्योंकि मैंने अभी एग्जांपल दी ना कि ताकत लगाओ। आप मुझसे पूछोगे किस तरफ लगानी है ताकत, तो ये फोर्स है, फार्स नहीं है, ठीक है। स्पीड, अब आप मैं बोलूँ स्पीड बढ़ाओ, इसका मतलब होता है कि आगे डिस्टेंस कवर करो। अब डिस्टेंस जो है वो एक क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस आपको स्केलर क्वांटिटी है, तो उससे बनने वाली स्पीड भी आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी रहेगी। अच्छा, इसके बाद आ जाती है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट से बनती है, इसमें डिस्प्लेसमेंट शामिल होता है। अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के दरमियान। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, मैं बोलूँ ए पॉइंट से बी जाओ, तो आप चाहो तो यहाँ से पूरा घूम के चले जाओ, चाहो तो यहाँ से चले जाओ, लेकिन जब आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाओगे ना, तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया जिसे मैं कैपिटल डी लिख देता हूँ, और ये डिस्टेंस हो गया जिसे मैं स्मॉल डी लिख देता हूँ, ठीक है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए आप स्मॉल डी या कैपिटल डी लिखो, दोनों के लिए डी लिख सकते हो। हाँ, लेकिन एस लिखा हुआ नहीं देखोगे आप कभी डिस्प्लेसमेंट के साथ, हमेशा वो ही देखोगे डी। अच्छा, अब एरिया, मैं आपको बोलूँ एरिया पता करो, अब आप ये तो नहीं बोलोगे सर आगे से एरिया पता करूं, पीछे से एरिया पता करूं, बल्कि आप उस पूरी चीज़ का एरिया पता कर लोगे। तो सिंपल समझ में आ रहा है कि ये वेक्टर का स्केलर क्वांटिटी है। अब मैं आपको बोलूं एक्सेलरेशन बढ़ाओ, तो आप पूछोगे ना किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बढ़ाऊं। अगर पीछे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बढ़ा दोगे तो गाड़ी चल रही है तो रुक जाएगी, आगे की डायरेक्शन में बढ़ाओगे तो और तेज़ हो जाएगी। तो डायरेक्शन पूछ रहे हो, यानी ये स्केलर क्वांटिटी हो गई, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अच्छा, वर्क, मैं आपको कहूँ वर्क करो, अब आप बोलोगे सर वर्क करो, तो आप डायरेक्शन तो पूछोगे कि सर किस डायरेक्शन में वर्क करूं, आगे या पीछे, लेकिन वर्क में आता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की वजह से ये एक स्केलर क्वांटिटी बनती है।
ये दो सॉरी वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके स्केलर क्वांटिटी बनने की वजह ये है कि ये दो वेक्टर क्वांटिटी से मिलके बन रही है। अब ऐसा कब होता है कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी मिले और एक स्केलर बन जाए, तो इसको पढ़ने के लिए हमें फिज़िक्स की तरफ जाना पड़ेगा जो कि आगे आपके फिज़िक्स के चैप्टर्स में मौजूद है। ठीक है, तो इसको अभी ये याद रखो कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, बेशक डायरेक्शन आपको पूछनी पड़ेगी, मैं बोलूँ काम वर्क करो इस मार्कर पे, आपने वर्क करके इधर ले आए इसे, लेकिन मैं बोलूँ गलत किया आपने, इधर करना है, इधर लाना था, तो यानी डायरेक्शन तो पूछनी पड़ रही है। लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, स्केलर होती है। क्यों? क्योंकि इसमें दो वेक्टर क्वांटिटी मिलती हैं, एक होती है फोर्स और एक होती है डिस्प्लेसमेंट। तो वो मैं आपको जब समझाऊंगा जब ये हमारे पास फिज़िक्स में आएगा, लेकिन अभी आप ये याद रखो। वॉल्यूम, वॉल्यूम भी आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। वॉल्यूम बढ़ाओ मैं कहूँ तो आपको डायरेक्शन तो पूछनी नहीं पड़ेगी ना कि किस डायरेक्शन में वॉल्यूम बढ़ाऊँ। वॉल्यूम बढ़ाओ, बस वॉल्यूम इजाफा कर दो। अच्छा, वेट, वेट तो सिंपल आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वेट हमेशा डाउनवर्ड लगता है। फॉर एग्जांपल ये मार्कर मैंने इस पर रखा, दो फोर्सेस लग रही हैं इस पर, अभी जब ये स्टेबल हो जाएगा ना तब, अभी तो इस पर ज़्यादा लग रही हैं, हाँ अब इस पर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स है वेट जो इसे नीचे की तरफ रोक के रखा हुआ है, एक फोर्स है नॉर्मल फोर्स जो कि बोर्ड हमारा लगा रहा है जिसकी वजह से ये स्टेबल हो गया है। ठीक है, तो वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है। मास, मास का मैंने आपको एग्जांपल दे दी थी, अगर नहीं दी थी तो मैं दे देता हूँ। मैं कहूँ आपका मास 5 kg है, तो आप पूछोगे किस तरफ से 5 kg है? नहीं, आप बोलोगे बस पूरे जिस्म का मास 5 kg है, तो डायरेक्शन पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। तो इसीलिए अब ऐसा तो नहीं है कि अगर मेरा मास आप ऊपर से कैलकुलेट करोगे तो 5 kg आ रहा है, नीचे से कैलकुलेट करो पाँव की तरफ से तो 10 kg आ रहा है, राइट की तरफ से कैलकुलेट करो तो 7 kg आ रहा है, और लेफ्ट की तरफ से कैलकुलेट करो तो 9। अगर ऐसा होता तो डायरेक्शन बतानी पड़ती, लेकिन आप मास कहीं से भी कैलकुलेट करो, किसी को उल्टा लिटा के कैलकुलेट करो, किसी को जो है वो खड़ा करके कैलकुलेट करो, या किसी को जो है वो यूँ बिठा दो, मास हमेशा सेम ही रहेगा, वो नहीं तब्दील होना डायरेक्शन के तब्दील होने से। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 करता है। अच्छा, सवाल बड़ा सिंपल है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। कहा क्या जाता है, राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म एक्स आयोटा और एक्स आई, सॉरी आयोटा नहीं है, एक्स आई प्लस वाई जी। अब देखें, सबसे पहले तो इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया ना, फिर ये चीज़ तो खुद ही समझ आ जानी है आपको, लेकिन अगर ये समझ नहीं आया तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा। अच्छा देखो, ये आपको किस फॉर्म में दिया हुआ है, अगर आप इसको देखो तो क्या समझ में आ रहा है? ये आपको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में दिया हुआ है, यानी ग्राफ में आप इसको बना सकते हो। बेसिकली याद रखना, आप किसी भी वेक्टर को ग्राफ में ही बना रहे होते हो। ठीक है, वेक्टर ग्राफ में ही बन रहा होता है। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 6 हो गया और ये 4 हो गया, तो आपके पास ये पॉइंट इस तरफ बन रहा होगा, इस तरफ बन रहा होगा। अब एक चीज़ को आपने ध्यान रखना है, पी और क्यू, ये जो पी और क्यू के ऊपर एरो हेड दिया हुआ है, ये क्या बता रहा है कि अगर ये पी से क्यू की तरफ एरो हेड बनाया हुआ है, तो इसका मतलब है जो भी चीज़ है वो पी से क्यू की तरफ जा रही है। ठीक है, ये तो आप समझ गए ना कि ये पॉइंट है। अब इसको ज़रा इस तरह समझ लो, ये मैंने एक ग्राफ बना दिया। ठीक है, ये मैंने एक पूरा प्रॉपर ग्राफ ड्रॉ कर दिया जिसमें आपके पास ये ग्राफ आ गया। अच्छा, अब ये पॉइंट है मेरा पी का, पॉजिटिव में रखना पी पॉइंट, और ये मेरा पॉइंट है क्यू का। अब ये एरो हेड इस तरफ बना हुआ है, यानी पी से क्यू की तरफ जा रहा है, यानी इसकी मतलब है कि आप पी से क्यू जाओगे, समझ गए, पी से क्यू जाओगे। ये चीज़ याद रखनी बड़ी ज़रूरी है, वरना आपको कभी इसका कॉन्सेप्ट सही समझ नहीं आएगा। जब भी एरो हेड इस तरफ होगा तो पी से क्यू जाओगे। अच्छा, अब मैं अगर बोलूँ एरो हेड ऐसे बना दूँ, तो अब एरो हेड किस से किसकी तरफ जा रहा है, क्यू से पी की तरफ, तो यानी अब आप ऐसे नहीं जाओगे बल्कि आप ऐसे जाओगे। ठीक है, अब इसको एक नॉर्मल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। आप रहते हो कराची में और आप जा रहे हो हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद करीब है ना, तो करीब चले जाओ, क्योंकि अभी पढ़ाई का टाइम है ना इसलिए। तो आप जा रहे हो हैदराबाद, तो आप एरो हेड कैसे बनाओगे, आप एरो हेड कैसे बनाओगे, ऐसे या ऐसे? अब मैं इसको थोड़ा सा ना उल्टा बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए, लेकिन इसको सीधा ही कर देते हैं। या ऐसे कैसे बनाओगे एरो हेड, आप जा रहे हो कराची से हैदराबाद, तो बिल्कुल सही। आप लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दो कि किस तरफ एरो हेड बनाओगे,
रोक कर, ताकि मुझे पता चले कि आप कितना समझ पा रहे हो। बिल्कुल सही, आप एरो हेड के से एच की तरफ बनाओगे। अगर आप एरो हेड एच से के की तरफ बना रहे हो ना, तो इसका मतलब ये है आप हैदराबाद से कराची जा रहे हो, जो कि आप वापसी में आओगे। लेकिन अगर आप कराची से हैदराबाद जा रहे हो तो एरो हेड ऐसे बनाओगे, तो ये एरो हेड होता है। अब ये चीज़ याद रखना हमेशा कि आप जिस तरफ जा रहे हो ना, यानी पी आपकी इनिशियल लोकेशन है और क्यू आपकी फाइनल लोकेशन है, और आप जा रहे हो पी से क्यू, क्योंकि इनिशियली तो क्यू से चलो, पी आई से चलोगे और पहुँचोगे एफ़ यानी फाइनल पे पहुँचोगे ना। तो हमेशा याद रखना पी और क्यू को निकालते वक्त कि फाइनल को माइनस करना पड़ेगा इनिशियल से। तो फाइनल लोकेशन आपकी क्या है, क्योंकि आप आई पी से अपना सफ़र शुरू कर रहे हो, ख़त्म कहाँ करोगे, क्यू पर, तो क्यू माइनस पी करना पड़ेगा। याद रखना जहाँ पर पहुँच रहे हो वहाँ से माइनस करोगे उस जगह को जहाँ से आए हो। कभी भी ऐसा नहीं करना कि आई माइनस एफ, क्योंकि देखो ये लिखा हुआ पी क्यू, तो ज़्यादा आसान यही था ना कि पी माइनस क्यू कर देते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं करोगे। ऐसा जब होगा जब आप क्यू से चलो और पी की तरफ पहुँचो। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है, हमेशा याद रखना। अब देखो इसको समझ लो, अब आपको सारे सवाल खुद ही आ जाएंगे। आपका पास क्या लिखा हुआ है, पी क्यू, यानी सिंपल बात समझ में आ रही है, आपने पी से सफ़र शुरू किया है और क्यू पे सफ़र ख़त्म करोगे, तो यानी ख़त्म जहाँ पर हो रहा है सफ़र माइनस करोगे जहाँ से सफ़र शुरू करा था। कराची से शुरू किया है सफ़र, हैदराबाद पे ख़त्म किया है, तो हैदराबाद माइनस कराची, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, क्यू क्या है, माइनस फोर और ये फाइव, पी क्या है, फोर ये सिक्स। ये मैंने इसलिए समझाया आपको ताकि आपको लॉजिक पता हो क्या हो रहा है। अच्छा, अब ये माइनस का साइन है, ठीक है, ये कॉमन है, ये माइनस, याद रखना अब ये फोर नहीं रहा है, माइनस है तो माइनस फोर आ गया है, ये अब सिक्स नहीं रहा है पॉजिटिव में बल्कि माइनस है तो माइनस सिक्स आ गया है। ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू, तो एक्स माइनस एक्स होगा हमेशा, एक्स माइनस वाई कभी भी नहीं करोगे आप, तो माइनस फोर होगा, और कॉमा है तो कॉमा आ जाएगा। उसके बाद ये आप लोग शायद पीछे भी कर चुके हो चैप्टर वन में, फाइव माइनस सिक्स, क्यों, फाइव भी वाई है सिक्स भी वाई है, तो इसलिए फाइव माइनस सिक्स, और माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस मौजूद है। अच्छा, ये हो गया आपके पास माइनस एट कॉमा माइनस वन। अब इस फॉर्म में तो लिखने का नहीं बोला था, अब आप जब भी कोऑर्डिनेट को एक्सिस की फॉर्म में लिखते हो तो क्या करते हो, यहाँ पर जो ये कॉमा है इसको हटाकर प्लस लगा देते हो। ये कौन सी है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म, और ये फॉर्म कौन सी है, ये आपके पास एक सिंपल फॉर्म है, मतलब ये आप एक्सिस में बता के लिख रहे हो कि एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, ये पोलर फॉर्म नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो आप क्या करोगे, एट के साथ आप आई लगा दोगे, पहले नंबर के साथ हमेशा आई लगाओगे, कॉमा की जगह प्लस लगा दोगे। अच्छा, ये वन है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस जे, ठीक है, क्योंकि देखो माइनस है प्लस है वो मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, ये कॉमा की जगह आया है प्लस, याद रखना, तो माइनस जे, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब जगह इधर बहुत है तो मैं एक सवाल यहीं पर कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। सवाल क्या है, सवाल कहते हैं कि आपके पास P है 5/2 कॉमा 9, Q है आपके पास 10/8 मतलब 10/8। अब देखें क्या करना है, आपने P और Q निकालना है, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ P और Q निकालो, तो क्या करोगे, Q माइनस P जैसे वहाँ किया था। Q क्या है, 10/8, ठीक है, और माइनस क्यों, क्योंकि माइनस है ना, माइनस 5/2 कॉमा 9। अब दोनों को ज़रा सॉल्व कर दो जैसे पहले किया सॉल्व, 10 प्लस, सर ये प्लस कैसे हो गया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और ये x है ये y है, ये x है ये y है, तो x को सिर्फ x के साथ सॉल्व कर सकते हो, 8 माइनस 9, ठीक है। अब ज़रा कैलकुलेटर से एलसीएम ले लो, ज़रा समझ में तो ये आ रहा है, 25 आएगा,
टेन प्लस फाइव बाई टू, ट्वेंटी फाइव बाई टू आ रहा है, ट्वेंटी फाइव बाई टू कॉमा माइनस वन आ रहा है आपके पास। अब आप इसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, आपको इसको किस फॉर्म में लिखना होगा, आई और जे की फॉर्म में। तो यहाँ 25 के साथ आप क्या लगा दोगे, आई, ये वो है आपके पास कॉमा, तो इसको प्लस कर दोगे और ये माइनस जे हो जाएगा, क्योंकि वन आप आगे लिख दो तो एक ही बात है। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ एक्स या मैं ऐसे लिख रहा हूँ वन एक्स, तो बात सेम ही है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बात अलग अलग है। तो ये हो गया माइनस जे। ये चीज़ें जो है ना टाइम सेव करने के लिए की जाती हैं। तो ये हमारा आंसर से कंफर्म करते हैं कि आंसर ठीक आया है या गलत आया है। तो बिल्कुल करेक्ट आया है, 25/2i माइनस जे। अच्छा एक और चीज़, एरो हेड भी लगता है इसके ऊपर, यहाँ भी एरो हेड मैंने नहीं लगाया हुआ। एरो हेड यानी ये बताता है इसकी डायरेक्शन क्या है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, ठीक है। ये एरो हेड इस पर भी लगा लो, ये आई लिखा है मैंने, जे टाइप लग रहा होगा आपको थोड़ा, ये आई, ठीक है। तो ये एरो हेड भी लगता है इस पर, यहाँ भी लगा लो, ठीक है। आई जे जब भी लिखा जाता है उसके साथ एरो हेड यानी यूनिट वेक्टर के लिए। अभी यूनिट वेक्टर आगे समझ में आएगा आपको, क्योंकि आपकी फिजिक्स की न्यू बुक जो आई है उसमें होगा ये, ठीक है। अब आ जाओ तीसरा पार्ट करते हैं, फिर चौथा पार्ट करेंगे, ठीक है। माइनस ऐसे ही होंगे दोनों पार्ट, अगर आप चाहो तो वीडियो रोक कर खुद भी कर सकते हो उसे परफॉर्म। तीसरे पार्ट में क्या कहते हैं आपको कि P आपके पास है 3, 6, 5, 9, ठीक है। अब इसको ज़रा सॉल्व करें, तो पी क्यू अच्छा P और Q, तो क्या Q माइनस P, जो बताया था हर बार वही होगा, क्योंकि P से Q जा रहे हैं। Q क्या है 5, 9 माइनस माइनस 3, 6। अच्छा अब इसको ज़रा सॉल्व करें, 5 माइनस माइनस प्लस 3, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 9 माइनस 6 8, और यहाँ आपके पास बच गया 3, प्लस का 3 3। अच्छा अभी इसको ज़रा मैं बीच में नहीं लगाता हूँ प्लस, अच्छा अभी इसको आई जे की फॉर्म में लिख दीजिए ज़रा, 8i प्लस, क्योंकि यहाँ पर है आपके पास एरो हेड 3j एरो हेड, ये आंसर है फाइनल। देखो इस फॉर्म में लिखने का कहा था, मतलब x से मुराद है 8, y से मुराद है जे, और एरो हेड भी मैंने उस पर लगा दिए ताकि आप लोगों के लिए और आसान हो जाए समझना। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब आखिरी करते हैं इसका ज़रा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, सॉरी 4, 9, 3, ये तो क्वेश्चन 2 है ना, ये पार्ट है आपके पास। पी है आपके पास, पी क्या है, हाँ -6, 2। क्यू है आपके पास कॉमा लगा के 0, -5। अच्छा अब आपने निकालना है पी से क्यू जाना है आपने, क्योंकि वो कह रहे हैं हर वक्त पी से क्यू ही जाएँ आप। तो क्यू माइनस पी, एरो हेड बहुत ज़रूरी है लगाना, उसी से डायरेक्शन पता चलती है, तो उसको मिस ना करिएगा, 0, -5। अच्छा -6, 2। अच्छा देखो मैं क्या करूँगा यहाँ, 0, -6, -5, और ये माइनस इसके साथ आ गया तो 2, 6 के साथ 0 ऐड करेंगे तो वो 6 ही रहेगा, और कॉमा माइनस माइनस प्लस हो गया 7 बना लेगा। अब ज़रा लिखना शुरू कीजिए, 6 आई और एरो हेड लाजमी, प्लस ये कॉमे की वजह से -7 और ये जे और ये एरो हेड। अब ज़रा माइनस प्लस को भी सॉल्व कर दीजिए आपस में, 6i -7j, ये आपका फाइनल आंसर है। हाँ तो बिल्कुल ठीक आया है, माइनस तो ये आपका बिल्कुल ठीक आया। अच्छा 6 के साथ माइनस नहीं आएगा याद रखिएगा,
क्योंकि 6 के साथ हमारे पास माइनस बच ही नहीं रहा, तो हम उसके साथ माइनस लगा कैसे सकते हैं। तो ये देखो ना, माइनस माइनस तो ये प्लस हो चुका है ऑलरेडी, और बुक में भी यही दिया हुआ है आपको 6i-7j। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं एक छोटी सी डिटेल आपको दे दूँ कि आप ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाइएगा। ग्रुप की फ़ीस कितनी है? 1,500 रुपये सालाना, ठीक है। अब इस 1,500 रुपये के अंदर हमने आपको जो है वो ये 15,000 रुपये हो गए, तो 1,500 रुपये इसकी सालाना है। अच्छा, इस 1,500 रुपये के अंदर हमने आपको गैस पेपर, नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सेशन, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, हर मटेरियल प्रोवाइड करना है। तो आप ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाइएगा ताकि आपको तमाम चीज़ें फ़ौरन से मिल सकें। कुछ भी पूछना हो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर गाइड कर दूंगा। इजी पैसा नंबर शुरू में आ रहा होगा वीडियो के, उसी पे कांटेक्ट करिएगा, उसी पे इजी पैसा करिएगा। अब तक कई 100 बच्चे हमारे ग्रुप में ऐड हो चुके हैं, तो आप भी ऐड हो जाएँ ताकि आपको भी तमाम मटेरियल घर पर मिल सके, गैस पेपर भी मिलेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन 3 करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कहते क्या है, फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर इफ़। आपने क्या पता करना है, आपने इस कंडीशन के अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है और एक्स और वाई की वैल्यू ही बेसिकली निकालनी है, मतलब आप फाइनल आंसर आपने निकालना है। अब देखो इसमें आप करोगे क्या, ज़्यादा कोई इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं करना, बस मैं आपको समझाता हूँ। पी की वैल्यू आपको गिवन है, यानी वैक्टर पी की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर पुट कर दो। वैक्टर क्यू की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर पुट कर दो आप। ज़रा ये 2 है तो पी की वैल्यू क्या है, 5। आप चाहो तो आई लिखो, अभी मैं आई पे एरो हेड नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वो बार बार बनाना पड़ेगा, मैं फिर आखिर में जब इसका फाइनल आंसर लिखूंगा तो उस वक्त बना दूंगा, ठीक है। ये इसलिए बना रहे हैं ताकि टाइम सेफ हो। चलो बना ही लेते हैं, वरना फिर ये होगा कि बच्चे को समझ में आने में शायद मुश्किल हो जाए, ठीक है। तो मैं आपके लिए बनाता हूँ। तो ये कितना हो गया आपके पास, 10 है ना। 2 को सिंपल देखो, नंबर तो मल्टीप्लाई हो सकता है वेक्टर के साथ, कोई भी नंबर वेक्टर के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ये कितना हो गया आपके पास, 10 आई एरो हेड प्लस 8, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस, और ये 9, ये हो गया माइनस प्लस 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 15, ये जे हो गया। अब देखो मैंने कहा था ना, आई वाली वैल्यू सिर्फ आई वाले के साथ सॉल्व हो सकती है, जे वाली वैल्यू सिर्फ जे वाले के साथ सॉल्व हो सकती है, यानी माइनस प्लस हो सकता है और कुछ नहीं। आप आई को जे के साथ नहीं सॉल्व कर सकते, ये याद रखिएगा हमेशा। माइनस 19 आई प्लस 23 जे, ठीक है। तो ये इसका फाइनल कुछ आंसर आपके सामने निकल कर आया, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही आया हमारा, ऐसे ही निकालना था, माइनस 19 आई प्लस 23 जे। अब आपने इसी तरह से एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसको भी मैं यहीं लिख देता हूँ, वो थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी होगा, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। बस वैल्यूज़ पुट करनी है और फिर सॉल्व करा देना है। अब उसमें तीनों चीज़ें सॉल्व यूज़ होंगी, यानी 3p हो जाएगा आपके पास, हाफ क्यू हो जाएगा आपके पास, क्यू की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको आधा करना है और उसको ऐड कर देना है r में। तो ये आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले तीनों वैल्यूज़ आपको ऊपर गिवन है, पी क्यू आर की, उसे आप पुट कर देना इसके अंदर और आगे फिर सॉल्व करना शुरू करना। तो देखो पी क्या है आपके पास, माइनस 5 एरो हेड प्लस 4, ये एरो हेड आ गया दोबारा, ठीक है, हाफ। क्यू क्या गिवन है, माइनस 3 एरो हेड प्लस 5 एरो हेड। अच्छा आर की वैल्यू क्या है, माइनस 6 आई एरो हेड प्लस 7 जे एरो हेड। तो तीनों आई की वैल्यूज़ आपस में सॉल्व हो सकती हैं और तीनों जे, आई जे के साथ कभी सॉल्व नहीं होगा चाहे जितने भी हों। 15 ठीक है एरो हेड प्लस 12 एरो हेड। अच्छा तो ये 3/2 लिख दो, क्योंकि फिर डेसिमल में तो लिखोगे नहीं, तो इसलिए ये माइनस तो नहीं आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3/2, ठीक है। अब ये इसके साथ कर दो तो प्लस 5/2 और ये जे, माइनस 6 प्लस 7। अच्छा ये वाली आई की वैल्यू, ये वाली आई की वैल्यू, ये वाली आई की वैल्यू एक तरफ करके लिख लो ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए।
और ये सॉल्व हो जाएंगे आपस में, ठीक है। कैलकुलेटर से सबको एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो चाहो तो, मैं करके दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में, ताकि अगर आप पेपर में कर रहे हो आंसर ठीक आया या गलत वो चेक कर सको फॉर आंसर, क्योंकि पेपर में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए ना। अच्छा, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो, फिर 6 के साथ सॉल्व कर लेना, और मैं डायरेक्ट करके भी दिखाऊँ, मतलब इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर से करके भी दिखाऊँगा आप लोगों को। या ऐसे कर लो पहले 6 और 15 को सॉल्व कर लो, तो 15 और 6 आपको पता 20 बनाएगा, माइनस 21 और आई, ठीक है। अभी ये वाला आपके पास रहता है सॉल्व करने को। अच्छा, अब यहाँ भी सॉल्व कर लो, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो जे वाले को, तो 19 हो जाएगा आपके पास, 19j+5.2। अब एलसीएम ले लो ज़रा, एलसीएम में ज़रा इसमें दिखा देता हूँ कैसे लोगे आप। -21 लिखा आपने, ठीक है, उसके बाद आपने माइनस है ना, माइनस लिखा 3/2, ये बटन दबाना, ठीक है, तो ये आ गया -45/2। थोड़ा सा मुझे और ऊपर करना पड़ेगा, जगह चाहिए होगी। -45/2, 45/2, ठीक है, और आई, और यहाँ भी इसी तरह सेल्सियम ले लेते हैं ज़रा, 19+5/2, 43/2, 43/2, और जे एरोहेड। अब जहाँ जहाँ आपने एरोहेड डालना भूल गए हैं वहाँ एरोहेड ऐसे ही डाल लीजिए देख देख कर, बाकी सब सही है। अब इसको हमारे वेरीफाई करते हैं कि ये ठीक आया है या गलत आया है, क्योंकि चेकिंग भी तो बहुत ज़रूरी है ना। बिल्कुल सही है, -45/2 आई और +43/2 जे। अच्छा, देखो तो डायरेक्ट यहाँ से भी सॉल्व कर सकता था मैं, कैसे कि देखो -515 है ना, और -3/2 और -6, देखो -45/2, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं करा ताकि आपको समझ में आए। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी निकालते हैं ज़रा, इसके नेक्स्ट पार्ट को भी ज़रा सॉल्व करते हैं, इसको भी ज़रा सॉल्विंग कंडीशन में ले आते हैं अपने। अच्छा, उसकी सॉल्विंग कंडीशन क्या बनती है ज़रा वो देखते हैं। वैल्यूज़ उसी में पुट करनी है जो गिवन है, उसके अलावा और कहीं पुट नहीं करनी। अच्छा, देखें, दिया हुआ है 3p कुछ कर कर +5q कुछ कर कर 4, ये आपको दिया हुआ है। अब बस आपने क्या करना है, p की जो वैल्यू है, q की जो वैल्यू है और r की, ये सब वैल्यूज पुट कर देनी है। 3 p क्या दिया हुआ है, -5 एरोहेड, 4 जे एरोहेड, +5 q क्या दिया हुआ है, -3 i एरोहेड, +5 जे एरोहेड, प्लस नहीं माइनस है, -4 आर क्या दिया हुआ है, 6 आई एरोहेड, +7 जे एरोहेड। ज़रा सॉल्व करिए, -15 आई एरोहेड, +20 जे एरोहेड। 20 हो रहा है ना, समझ में आ रही है ना, नहीं 20 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, 12 होगा, तो ये हो गया -15 आई एरोहेड और +25 जे एरोहेड। माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ कितना बना, 24 आई एरोहेड माइनस 4 × 7 28 होता है आपके पास, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि माइनस प्लस माइनस है, वो भी 28, ये 28 नहीं, वो 24 है। एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है कि हम जिसे जे टाइप कुछ बना दिया हमने, आई रखना इसे, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको 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 एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो चाहो तो, या दो दो करके सॉल्व कर लो। तो देखो भाई, -15 आप अच्छी तरह से जानते हैं 30 होगा, और +24 ये आपके पास होगा -6, दिखने में कितना बड़ा था और सॉल्व कितना आसानी से हो गया। अच्छा, 12 + 25 - 28 9, वो भी प्लस का, बस ये यहीं सॉल्व होना था, इतना ही सॉल्व होना था। ठीक, आपका आंसर डायरेक्ट आपके सामने आ गया बगैर कोई मुश्किलात के, 6 - 6 आई एरोहेड +9 j एरोहेड, ये बिल्कुल ठीक आंसर आया आपका। ठीक है, अब देखा आपको लग मुश्किल रहा था लेकिन दो स्टेप्स में ही सॉल्व हुआ,
कभी भी ऐसा ना करें पेपर के दौरान कि आपके पास लिखा हुआ रहा है 7 + 8 + 1 + 2, तो आप क्या कर रहे हैं, पहले इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, फिर इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा आपके पास 15, इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा 3, और फिर इनको ऐड करके 18 बना रहे हैं। कभी भी ऐसा ना करें, कैलकुलेटर उठाएं, 7 + 8 + 1 + 2 डायरेक्ट 18। तो ज़रूरत नहीं है इस स्टेप को करने की, क्योंकि इस स्टेप को कर रहे हैं तो पहले इसे सॉल्व कर रहे हैं, फिर इसे, और फिर उन दोनों को और दोबारा सॉल्व, तो टाइम बढ़ा रहे हैं आप लोग अपना। इस तरह टाइम कभी ना बढ़ाएं, हमेशा चारों पांचों नंबर को एक साथ सॉल्व करें, ताकि आपका सवाल भी आसान होता जाए और काम भी आसान होता जाए। आखिरी इसी का पार्ट 4, उसके बाद क्वेश्चन 4, इसमें काफ़ी क्वेश्चन है प्रैक्टिस के, हो सके तो आप इसको रोकें और इसको खुद सॉल्व करें, और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब भेजें कि क्या आपका इसका जवाब आया है। कमेंट सेक्शन में आपके जवाब आने से मुझे पता चल जाता है कि किस बच्चे ने कहाँ पर सॉल्व किया, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसे, और मुझे आगे कैसे कराना है। बस सिंपल, अब आपने वही करना है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन 2 में किया था, ठीक है। इसको मैं लिख दिया, अच्छा, -3 i arrowhead + 5 j arrowhead + 4 arrowhead 7 j arrowhead, ठीक है, -5/2 i + 4/2 j। इसको आसान कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है। यहीं पे -6 i - -20 i - 24 होगा। अक्सर ना ये नंबर बड़ा कंफ्यूज कर देता है कभी कभार ना, 24 होगा, ठीक है। अच्छा देखो, प्लस 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 हो जाएगा तो वही 28 आ जाएगा दोबारा, जैसे पहले आया था। तो देखें, ये और ये आपस में सॉल्व हो जाएगा, -5/2 i arrowhead + इस चीज़ को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों आई ही है ना, तो 18 आना चाहिए, तो यहाँ प्लस नहीं आएगा, -18 आएगा, ठीक है। और ये भी आई, अच्छा, उसके बाद आप लिख दो -10 j से पहले एक और नंबर भी आ रहा है, यहाँ आपके पास 2 बचा था ना, तो क्योंकि 4 और 2 कैंसिल हो गया आपस में, तो 2 j 10 j 28 j, अच्छा, -5/2 - 18 - 41/2 i और प्लस 2 - 10 + 28 - 20 - 20 j 20 j, ठीक है। ये तो ये जवाब आपका बिल्कुल ठीक आया है और एक्यूरेट है। अच्छा, पीछे ना उससे मैच कर लेते हैं, पीछे इसका जवाब दिया हुआ नहीं है, हाँ दिया हुआ है, थोड़ा उसका जवाब थोड़ा अलग है, पीछे जो इसका जवाब है वो थोड़ा अलग दिया हुआ है। नहीं, इसका जवाब यही आएगा जो हमारा आया है, वो वाला नहीं आ सकता, क्योंकि वो वाला आने के लिए तो कंडीशन ही कुछ और होनी चाहिए थी। तो यही जवाब ठीक आया है, हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया है और ये हमारा ठीक जवाब है, ठीक है। तो अब करते हैं अपना इसका क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा देखें, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है आपके पास, पी जो है वो आपके पास -2 5 8 0 7/2 6 आर हो गया, ठीक है, और क्यू हो गया आपके पास 8 0। एस जो है वो -10 7 आर द गिवन एन बी आएगा, ठीक है, गिवन पॉइंट्स, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स पी क्यू, और उसके साथ फिर आपके पास पी क्यू और आर एस। अब देखो इसमें करना क्या, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले पी और क्यू निकालना है, ठीक है, उसके बाद आपने जो है आर और एस निकालना है, और फिर उन दोनों को ऐड कर देना है। बेसिकली इधर जो कंडीशन है ना वो ये है कि पी और क्यू निकाल कर आपने उसको ऐड कर देना है आर और एस के अंदर, बस ये चीज़ करनी है आपने और कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले पी क्यू निकालते हैं, फिर आर एस निकालते हैं, फिर इन्हें ऐड कर देंगे आपस में, ठीक है। तो फॉर पी क्यू, ये आसान है ज़्यादा जिस तरह मैं करा रहा हूँ, इससे आपको पता रहेगा कि आपने क्या क्या कर पीछे आए हो। तो क्या होता है, क्यू माइनस पी है ना,
डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, मतलब एक दो स्टेप सॉल्व डायरेक्ट कर लो, माइनस क्यू तो पी सॉरी, ठीक है तो ये आ गया। तो ये क्या आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है आपके पास 8 माइनस 2, नहीं प्लस आएगा क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, कॉमा 0 माइनस 5, ठीक है। तो ये P और Q आपके पास क्या आ रहा है, 10, -5 आ रहा है, ठीक है, ये आपका आ गया। अच्छा अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने निकालना है फॉर PQ लिख लेना, ठीक है, फॉर RS रिजर्व। अच्छा देखो तो RS में आप क्या करोगे, अब ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा, आप S पर गए हो ना और R से शुरू किया था तो S माइनस R, और S क्या है आपके पास -10, -7, -7/2, 6, ठीक है। अब क्या करना है आपने यहाँ पर, -10, -7/2, क्योंकि ये X है, ये X है तो इसलिए दोनों ऐड हो सकते हैं, 7 माइनस 6, ठीक है। तो ज़रा आप इन्हें जो है हम सॉल्व करते हैं RS को, RS तो ये इसका ज़रा LCM ले लो कैलकुलेटर से, -10, -7/2, ठीक है 7/2 कर लो तो 27 हो रहा है, -27/2 आ रहा है, ठीक है। अब कॉमा यहाँ 1 बच रहा है आपके पास। अच्छा अब आपने क्या करना था, PQ प्लस RS करना था ना, PQ प्लस RS, ठीक है। तो ये सॉल्व करते हैं ज़रा, एरो हेड लाजमी लगाएं, हाँ तो आपके पास PQ क्या आ रहा है, PQ आ रहा है आपके पास 10, -5 और प्लस लगा दो बीच में 27/2, 1, ठीक है। तो ज़रा देखो PQ क्या है आपके पास, अच्छा याद रखना ये x है, ये x है, ये y है, ये y है, 10 x की वैल्यू सिर्फ x के साथ सॉल्व हो सकती है, यानी देखो जब भी कॉमे के आगे जो लिखा है वो x है, कॉमे के बाद जो लिखा है वो y है, तो x की वैल्यू सिर्फ x के साथ, y की वैल्यू y के साथ। अच्छा यहाँ कॉमे ही आएगा, -5 + 1, -5 और ये इसके साथ +1, ये फाइनल आंसर है आपका। ज़रा करें 10/27, 10 - 27/2, तो ये आ रहा है आपके पास -7/2 ऐसे करके, ठीक है। और ये आ रहा है आपके पास -4, आप समझ सकते हैं ये फाइनल है, इससे आगे नहीं होगा सॉल्व, क्योंकि बुक में भी ऐसे लिखा हुआ ना उन्होंने, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अच्छा उन्होंने आई जे की फॉर्म में लिख दिया बुक में, तो इसको आई जे की फॉर्म में बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जगह चाहिए होगी, इधर बना देता हूँ आई जे की फॉर्म में, ठीक है। देखो ये -7/2 कॉमा ख़त्म होगा, आपको पता है प्लस आएगा और उसके साथ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, आई माइनस क्योंकि प्लस आना था लेकिन 4 के साथ माइनस है तो वो माइनस हो गया, ऐसे लिखा हुआ है बुक में आपका जवाब, ऐसे कर लो, बस एक स्टेप ज़्यादा करना था, -7/2 आई माइनस एरो हेड ज़रा लाजमी रहेगा आपके लिए, एरो हेड, ठीक है। अच्छा अब आगे इसका क्वेश्चन 5 करते हैं। अच्छा अब जो है आपके पास क्वेश्चन बहुत आसान है, कहते हैं फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसकी वैल्यू जो है वो आपके पास 1 आती है, ठीक है, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है और बेसिकली ये डायरेक्शन बताने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। अब यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं, ये जो एरो हेड है ना इससे पता चल रहा है ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, और इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। अच्छा देखें यहाँ पर ये जो दो पैरेलल साइन है ना, इसका मतलब डिटर्मिनेंट नहीं लेना है आपने, ठीक है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट नहीं लेना है आपने, बल्कि इस पैरेलल साइन का मतलब है आपने यहाँ पे मैग्नीट्यूड या मॉडुलस निकालना है जो पीछे आपने निकाला था, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो इसको ऐसे बना लीजिए एरो हेड, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, समझ
सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो आपके पास मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, होल रेडिकल जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कहाँ से आएगा, ये जो चीज़ है वो एक्स स्क्वायर है, ये जो चीज़ है वो एक्स है, ये जो चीज़ है वो वाई है, ठीक है, ऐसे आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो अब ज़रा वैल्यूज को ऊपर पुट कर दीजिए। पी क्या दिया हुआ है आपको, पी आपको दिया हुआ है 3i, एरोहेड ज़रूर लगाइएगा, 8 और 6। अच्छा याद रखिएगा, जब भी आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उसके अंदर आप ये आई जे नहीं पुट करते हैं, सिर्फ कोएफिशिएंट पुट करते हैं, ठीक है। मैंने देखो यहाँ सिर्फ लिखा एक्स और वाई, मैंने नहीं लिखा एक्स आई और वाई जे, ये नहीं लिखा। और इसमें क्या होता है पता है, अगर पावर इवन भी हो, ऑड भी हो ना, मतलब साइन जो है वो अगर नेगेटिव भी हो तो भी वो पॉजिटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जो है वो ले रहे हो, स्क्वायर ले रहे हो, तो स्क्वायर लेने से हमेशा वो पॉजिटिव ही रहता है। ये कितना हो गया आपके पास 9, और ये कितना हो गया 64, है ना। डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकालना भी सिखा दूँगा, ठीक है, ताकि कंफर्म कर लो आंसर। ये माइनस साइन ज़रूर लगाइएगा, ये जे है, ठीक है, जे आई है। अच्छा तो इन दोनों को ज़रा ऐड भी कर दो डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 9 + 64 आपके पास 73। अब 73 ना किसी एक नंबर पे आता नहीं है मसला, मतलब 73 का स्क्वायर रूट आप ले नहीं सकते, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। अगर 73 का स्क्वायर रूट लोगे ना तो वो डेसिमल में चला जाएगा, डेसिमल में नहीं ले जाना बिल्कुल भी। तो ये इसका आंसर है, बस यहीं तक इसका आंसर आएगा। अच्छा मैंने कहा था मैं आपको ये 73 डायरेक्ट निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि ये दो स्टेप्स हमने इसके लिए किए हैं ना। तो ऐसे आप लगाओ -3 का स्क्वायर लिख दो प्लस 8 का स्क्वायर लिख दो, देखो ये आ रहा है। अच्छा अब ये गलत क्यों आ रहा है, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ माइनस लगाया इसीलिए, देखा। तो आपको तो पता है कि भाई अगर अंदर माइनस हो और पावर इवन हो तो ये माइनस ख़त्म हो जाता है, लेकिन कैलकुलेटर को ये बात नहीं पता, तो कैलकुलेटर वो माइनस कर रहा है 9 को 64 से माइनस कर रहा है, जब ये इसका आंसर जो है वो इस तरह का आ रहा है 55 करके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो है वो हमने करना है अपना, इसका पार्ट टू करते हैं, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो याद रखिएगा यूनिट वेक्टर के लिए आपको एरोहेड लगाना होता है, उसी से पहचान में आएगा कि आपने यूनिट वेक्टर पहचान पता किया है। तो उधर मैं नेक्स्ट पार्ट लिखता हूँ इसका, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये रहा इसका, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ये रहा आपके पास। उसको इन्होंने क्यू नाम दे दिया है, तो नाम तो कुछ भी दिया जा सकता है चीज़ों को, उससे तो मसला नहीं है। ये आई आ गया, ये जे आ गया, ठीक है। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूला लिखना होगा, फार्मूला ज़रूर लिखिएगा ताकि पता चलता रहे क्या कर रहा है। क्यू पर एरोहेड यानी यूनिट वेक्टर है, ठीक है, इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराना होगा, इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट भी कह सकते हैं इसे आप, रिजल्टेंट से डिवाइड कराना होगा। अब आपको इसका फार्मूला पता है क्या है, कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर 5i एरोहेड माइनस 9j एरोहेड, तो 5 का स्क्वायर प्लस, ऐसे ही लिखिएगा ब्रैकेट में करके, क्योंकि अगर कभी माइनस आ जाएगा ना तो आपको पता होगा कि ये माइनस गया किधर है। ठीक है, तो अब ज़रा 5 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 25, प्लस 9 का स्क्वायर आपको पता है 81 होता है आपके पास, तो 25 प्लस 81 आपके पास कितना आ रहा है 106, यहाँ 106 जैसे मैं 106 कह रहा हूँ ना, तो 106 आ रहा है। तो ये यूनिट वेक्टर का यहीं पे लिख देते हैं इसका जवाब, और दूसरा फिर उस पेज पे कर लेंगे, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया, और 106। अब आ जाओ इसका एक और पार्ट करते हैं, एक और पार्ट इसका, इसमें चार पार्ट दिए मैं आपको बेसिकली। तो आर का एरो, आर पे एरो हेड दे दिया मैंने 10 आई प्लस नहीं है माइनस 12 जे, ठीक है, ये आपके पास है। अब इसका ज़रा यूनिट वेक्टर पता करके देखिए कैसे पता होगा, आर है तो आर ही लिखना होगा, एरो हेड यूनिट वेक्टर पता कर देना। तो ये ज़रा जो नोटेशन होती है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इससे चीज़ें हमें पहचान में आ रही होती हैं,
एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट भी आपको ये चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आप आर लिख दें और फिर बोले कि मैंने आर ही तो लिखा है, लेकिन उस पर एरो हेड नहीं है तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, वैल्यूज मैंने एज इट इज पुट कर दी। अब मैंने क्या 10 का स्क्वायर कर लिया, प्लस फॉर्मूले वाला आ गया, और माइनस 12 का स्क्वायर कर लिया मैंने। 10 का स्क्वायर आप अच्छी तरीके से जानते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी चाहो तो कर लो, मसला नहीं है। 10 का स्क्वायर आप अच्छी तरीके से जानते हैं 100 होता है, और 144 होता है, और पावर इवन है तो कैंसिल हो गई, ये एरो है। ठीक है, ये एरो हेड हो गया। माइनस आएगा, ठीक है, ये हो गया आपके पास 244। ठीक है, 244 ये इसका जवाब आपको मिल रहा है। इसका जवाब वेरीफाई कर लेते हैं, इसका जवाब 244 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक है, इसका जवाब इतना ही आना था, 244। अब आखिरी करते हैं इसका पार्ट, ये थ्री था पार्ट हमारे पास, ठीक है, अब पार्ट फोर करते हैं। अब आखिरी पार्ट देखिए, आखिरी पार्ट क्या है आपके पास, एस लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है, एस 7 एरो हेड प्लस 5 एरो हेड, ठीक है। अच्छा, अब इधर ज़रा सॉल्व करें, ज़रा कैसे होगा। तो आपने इसका निकालना है यूनिट वेक्टर, एरो हेड एस का एस खुद जो वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट भी कह सकते हो इसे। तो 7 एरो हेड प्लस 5 जे है, ठीक है। अच्छा, ज़रा 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 49 प्लस 25, ठीक है। अच्छा, इन्हें ऐड करके लिख दीजिए, 49 प्लस 25 74 करके कुछ आपके पास ये आ रहा है, और यही इसका जवाब था। अब हमारा क्वेश्चन 6 होगा, ठीक है, इसको मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर हम अपना आखिरी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, जरूर लगाइएगा। सेवेंटी फोर करके आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। अब इसका जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं इसी एक्सरसाइज का, तो वो थोड़ा सा सिंपल ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपने समझना है उसको। अच्छा, देखिए, ये सवाल भी बिल्कुल वही सवाल है जो पीछे हमने किया है, ये कोई मुनफरद नहीं है, इसमें भी सेम चीज़ ही होनी है, बस समझ में शायद इसलिए नहीं आ पा रहा होगा क्योंकि उधर मैंने कहा था ना कि मैग्नीट्यूड पता करना है, लेकिन यहाँ उन्होंने मैग्नीट्यूड डायरेक्ट निकाल के दे दिया है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे ना तो शायद ये 6 ही देगा आपको ना, तो मैग्नीट्यूड इन्होंने यहाँ निकाल के दे ही दिया है, हमें मैग्नीट्यूड अब निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ज़रा इसको ज़रा सॉल्व करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से जो है वो आपका सवाल सॉल्व होगा। बिल्कुल सेम उसी तरह से होगा जिस तरह से हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया, ये 6 इसके साथ करके लिख देंगे, ठीक है, ये 6a इसके साथ करके लिख देंगे और a का मैग्नीट्यूड लिख देंगे, ठीक है। ये फार्मूला, एक फार्मूला टाइप बन रही है ये चीज़, ये समझ लो। अच्छा, और ये 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, और इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो देखो, ये तो वही चीज़ है जो हमने पीछे करी थी, है ना, बस यहाँ पर एक ये चीज़ मुख्तलिफ है कि 6 को जो ये मैग्नीट्यूड यूनिट 8 यूनिट कह रहे हैं ना, इसको हम इसके साथ बस मल्टीप्लाई करा देंगे, बस ये चीज़ एक थोड़ी सी मुख्तलिफ है, ठीक है। तो ये फार्मूला है जो हमारे पास वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराया जा रहा है, और ये 6 आपको यहाँ पर गिवन है, और अब इसको खोल के लिख दिया गया है, तो ये 12 हो गया,
ये 12 हो गया, ये 6 हो गया और ये एरो हटा गया। अच्छा नीचे जो है आपके पास तो ज़रा सॉल्व कर लीजिए, 4 + 9 तो 13 आ रहा है आपके पास। तो ये जो इसका जवाब आपके पास फाइंड आया है वो है 13। ठीक है, ये इसका जवाब था, ये बिल्कुल ठीक आया है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई गलती नहीं है, हमने इसे बिल्कुल तरीक़ेकार से जैसा करना था वैसे ही निकाला है। अच्छा एक हमसे ना गलती हो रही है, तो ये 18 हो जाएगा ना, ये 18 हो जाएगा। क्यों 18 हो जाएगा? क्योंकि वो हमने 6 मल्टीप्लाई कराया ना, तो 18 हो जाना चाहिए था इसमें, वो हमने उसे वही लिख रहन दिया। तो बस ये हो गया। अब इसका जो है वो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसका पार्ट टू करता है ज़रा, सेम तरीके का होगा। कितने क्वेश्चन है इसमें? 3 क्वेश्चन। चलें ये आसान है, तो 3 ही दे दिए उन्होंने, वरना तो ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। 3 क्वेश्चन करते हैं इसके, ज़रा पार्ट टू करते हैं इसका। ज़रा पार्ट टू में ये कहते हैं आपके पास बी का मैग्नीट्यूड ये कुछ इस तरह से लिखें, 10 i एरोहेड, 9 j पर एरोहेड, और मैग्नीट्यूड थोड़ा मेरा ना एरो हेड सही नहीं बन पा रहा क्योंकि मैं तेज़ी से लिख रहा हूँ। अच्छा मैग्नीट्यूड आपके पास कितना है? मैग्नीट्यूड आपके पास 7 यूनिट। ठीक है, ये सवाल है आपके पास। अब आपने क्या करना है, आपने सॉल्यूशन लिखना है और फार्मूला लिखना है। जो आपके पास 7 है ना, उसको आपने मल्टीप्लाई करा देना इस वैक्टर के साथ, और इसी वैक्टर का आपने रिजल्टन या मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका ज़रा मैंने इसको बता दिया था कैसे लिखते हैं कि 10 का स्क्वायर + -9 का स्क्वायर। सत्तर हो गया, ठीक है, 70 हो गया, और वो 63 हो गया, ठीक है, 63। -63 और नीचे क्या आ रहा है आपके पास? डायरेक्ट भी चाहो तो कर लो, 100 + 81, तो ये फाइनल आंसर है कुछ। -63 होल रेडिकल 181, ये आंसर है आपका। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल आंसर्स आ रहे हैं इसके, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसे सिंपल वाले दिए हैं ना आपको, तो इसलिए इसके आंसर भी थोड़े सिंपल आएंगे। अच्छा अब आगे करते हैं, ज़रा आगे बढ़ते हैं और आगे चेक करते हैं क्या होगा। हो सके ना आप वीडियो रोकिएगा और एक क्वेश्चन खुद कर लीजिएगा। अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूँ, आप चाहो ना इस एलसीएम को ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकते हो, पीछे बुक में ऐसे ही दिया हुआ उन्होंने, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी एक ही बात है, कोई अलग चीज़ नहीं है, ये ऐसे भी लिख सकते हो। अब आओ पार्ट 3 करते हैं। अच्छा अब देखें इसको कैसे सॉल्व करना है, हमने सेम तरीके कार से सॉल्व होगा, ये भी जैसे पीछे किया ना कि 11 सी के साथ और सी का आपने रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड। मैं दोनों लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर एक बच्चे किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही हो तो वो समझ सके कि मैं क्या बार बार बोल रहा हूँ। फाइव का स्क्वायर ये फॉर्मूले वाला और 6 का स्क्वायर। देखें ये हो गया 55, ये हो गया 66 एरोहेड और एरोहेड, और नीचे हो गया आपके पास 25 + 36 ठीक है 55 66 और बाकी देखें ज़रा क्या आ रहा है, 55 + 66 11 आ रहा है। ठीक है, ये 11 इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो स्क्वायर रूट आ रहा है,
चलो मैं इसको डायरेक्ट नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें ना एक नंबर ऐसा आ गया है जो आपको शायद मुश्किल करे समझने में। हाँ 25 प्लस 36 आपके पास आ रहा है 61। अच्छा 61 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ, नहीं शायद हमसे गलती हो गई थी। हाँ सही, 61 का कोई टूट के नहीं आ रहा है वो। तो देखो 11C आ रहा है, 55 I, इसको ऐसे लिख दो जैसे बुक में लिख के दिया हुआ है ताकि बुक जैसा भी आपके लिए आ जाए ना जवाब। ये इसका फाइनल आंसर है आपका। अच्छा इसको ज़रा बुक से वेरीफाई करते हैं कि भाई हमने गलती तो नहीं कर दी, कहीं कोई मसला, कहीं कोई गड़बड़ ना। 55 I होल लेडिकल 61 प्लस 66 J होल लेडिकल 61। अच्छा अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वेक्टर ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इफ़। तो इसकी वैल्यू पता करनी है, तो चलिए इसकी वैल्यू पता करते हैं। अब देखें ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि आप आई के साथ आई को सॉल्व कर सकते हो, जे के साथ जे को सॉल्व कर सकते हो। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पर इसे सॉल्व करना चाहूँ ना तो मैं क्या करूँगा, इसको इसके बराबर ले सकता हूँ और इसको इसके बराबर ले सकता हूँ। ये पार्ट वन हो गया, पार्ट टू। तो देखो 4i इक्वल टू, इधर इन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले सवाल देख लो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन इफ़। अगर ये p है ना, ये p अननोन है, आपको नहीं पता, तो आपको इसकी वैल्यू पता करनी है। ठीक है तो इसकी वैल्यू आप पता करेंगे, तो आप क्या करेंगे 4i को इक्वल ले लेंगे। मैंने कहा था ना आप i को i के साथ सॉल्व कर सकते हो, j के साथ, तो इसीलिए ऐसा कर रहा है। तो ये i से i कैंसिल हो गया, तो p इक्वल टू 4 आ रहा है आपके पास। ठीक है बाकी 5J को 5J से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस पर कुछ भी अननोन नहीं है, इधर अननोन था तो इसलिए कंपेयर किया। अच्छा अब इसे मज़ीद भी सॉल्व करना है, इसके आगे और भी वैल्यूज़ हैं। अच्छा देखो ऐसे होगा 57 इक्वल टू 5Q। अब क्या करोगे, इधर वही तरीका करोगे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप जो है कंपेरिजन शुरू कर दोगे, यानी ये आई है ये भी आई है ना, अगर इसको मैं खोल के लिखूँ तो वो आई बनता है, ये भी आई, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये वाई है तो ये भी वाई है, तो आप वाई को वाई से कंपेयर कर सकते हो। तो वाई तो नहीं लिखेंगे यहाँ, लिखेंगे हम क्यू 7, माइनस उधर ले जाओ तो क्यू इक्वल टू माइनस 7, ये आ गया आपका क्यू। अच्छा अब इसके बाद एक और क्वेश्चन भी आ गया आपका, थोड़ा सा ना वो उन्होंने मुश्किल बनाने की कोशिश की लेकिन वो भी आसान है। क्वेश्चन में कहते हैं, पार्ट है ये हमारा 3 है, 3 पार्ट है। ठीक है बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एक ही बार में सॉल्व हो जाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये सब चीज़ें आगे देखें बड़ा इस्तेमाल होगी आपके लिए सॉल्व करने में ना, आगे जब आप सॉल्व करेंगे ना हार्ट तो उसमें इस्तेमाल होगी। अच्छा पार्ट 2 ये रहा लिख लो, ठीक है पार्ट 3 देखें, 7 2 i माइनस 3 5 j पी आई माइनस 3 25 j। अब देखो इसको आप इससे कंपेयर कर सकते हो, इसको आप इससे कंपेयर, ये पार्ट वन ये पार्ट टू, तो कर दो कंपेयर ज़रा। 7 2 i इक्वल टू पी, देखो आई एरो हेड यहाँ भी है, आई एरो हेड यहाँ भी, तो कैंसिल हो गया, तो पी इक्वल टू 7/2। अच्छा तो ये हो गया, ये बिल्कुल सही आया है, ठीक है 7/2 ही आना था ये। अच्छा अब इसका जो है वो अगला क्वेश्चन निकालते हैं, सर अगला क्वेश्चन कैसे होगा सॉल्व वो बताता हूँ, सेम तरीके से होगा, इस तरह से अभी तक आपने किया नहीं है लेकिन मैं इस तरह से बता देता हूँ कि 5/2 और 7, ये भी एक तरीका है वेक्टर को लिखने का, अभी ये आगे आएगा मैं इसको आगे ना डिटेल में बताऊंगा। तो ये i है और ये j है, या ये x है ये y है, क्योंकि आपको पता ना x i 7 आते हैं और y j 7 आते हैं, तो अगर आप उसको i कह दो तो एक ही बात है और j कह दो तो एक ही बात है, बट डायरेक्शन के लिए होता है। तो इसको इससे कंपेयर कर सकते हो, इसको इससे कंपेयर कर सकते हो, तो हमें तो p ही निकालना है, p इक्वल टू 5/2, बस इतना ही होना था, इससे ज़्यादा नहीं होना इसका।
तो ये आपके आंसर्स थे, ये आपका है पार्ट 4, ठीक है, ये आपके आंसर्स थे और बिल्कुल ठीक आए हैं। नीचे तो मैच भी कर लेता ज़रा, हाँ बिल्कुल ठीक है, पी भी सही है, 4 भी सही है और -7 भी सही है। अच्छा अब करते हैं क्वेश्चन 8। तो आपके पास ये पहला क्वेश्चन है, अच्छा ये फार्मूले से सॉल्व होगा, मैं फार्मूला तो शेयर करूँगा इसका, लेकिन उससे पहले इसका लॉजिक भी दूंगा कि इसमें हो क्या रहा है। समझ लो एक ग्राफ है, एक ग्राफ है, ये बिल्कुल भी ना सही काम नहीं कर रहा है, पिकासो का जो मार्कर है ना बिल्कुल भी सही काम नहीं कर रहा, ये ग्राफ है ठीक है। अब इस ग्राफ में ये पॉइंट यहाँ पर बन रहा है, फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव है ना जी, तो यहाँ बनाते हैं एक्स पॉजिटिव, यहाँ ये यहाँ बन रहा है और ये पॉइंट यहाँ पर बन रहा है, कुछ यहाँ बन रहा है, ये पॉइंट कुछ यहाँ बन रहा है, ये अंदाजतन बना रहा हूँ ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 4 है ना, तो ये 4 आ गया, और ये 5 है ना, तो ये 5 आ गया ठीक है, तो ये इस पे बन रहा है, और ये 7 है ना, ये 7 आ गया, और ये 2 आ गया। अच्छा अब ये मिला दिया आपने है ना, मिला दिया, अब 3/5 यानी ये यहाँ पर ऐसे कट रही है ये लाइन, इतना हिस्सा 5 का बच रहा है, इतना हिस्सा 3 का बच रहा है, या इसको ऐसे भी कह सकते हो अगर और इसको ऐसे समझना चाहो, यहाँ पे कट रही है ये ठीक है, इतना हिस्सा 3 का बच रहा है, इतना हिस्सा 5 का बच रहा है। तो इसकी मदद से अब आपने क्या करना है, आपने जो है वो एक पोजीशन वेक्टर को फाइंड करना है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, समझ गए ना कैसे ये पॉइंट बना, इसका पॉइंट कैसे बना, इसका पॉइंट कैसे बना, ग्राफ ड्रॉ करके ठीक है। अच्छा अब देखो इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, पोजीशन वेक्टर के लिए मैं लिखूंगा यहाँ आर, आर से डिनोट करूंगा, और एम बी, ये बी है, प्लस एन ए, और एम प्लस एन, ये असल में ना जब आप सेकंड ईयर में जाओगे ना तो उसमें स्ट्रेट लाइन होती हैं, उसको किस तरह से तोड़ा जाता है ये उसके लिए होता है, लेकिन अभी आपके लिए पास नहीं है ये चीज़ें, कोर्स में नहीं है, अभी सिर्फ ये फॉर्मूले से ही सॉल्व करने का तरीका बताया जा रहा है। अच्छा देखो अब ये समझना होगा कि इसमें m क्या है n क्या है, क्योंकि उसके बगैर तो ये कभी भी सॉल्व होगा ही नहीं ना। अच्छा तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, a तो ये है, ये वाला पॉइंट a है आपके पास, 7i-5j, ये आ गया आपका a, ये आ गया आपका b ठीक है, ये b आ गया आपका। अब आ जाते हैं m क्या है, m है आपके पास, ये पहला वाला जो है वो m है और दूसरा वाला जो है वो n है। अब इसको आप सिंपल फॉर्मूले में पुट कर दो, खत्म बात, ये n है। तो अब हम यहाँ से जो है वो आगे शुरू करते हैं और आगे देखें, आगे काम करते हैं, आगे हमारा क्या काम आना है। अच्छा अब देखो हमें सारी वैल्यूज़ तो पता चल चुकी हैं, अब हमने बस पुट करना है वैल्यूज़ को और अपना आंसर जो है वो निकाल लेना है। तो 3 बी क्या है हमारे पास, 2i एरोहेड प्लस 7j एरोहेड, उसके बाद प्लस n क्या है 5, और a आना है 4i एरोहेड माइनस 5j एरोहेड, और नीचे बस 3+5 लिखना है आपने। तो ये हो गया आपके पास 6i एरोहेड प्लस 21 हो गया, 21j एरोहेड प्लस 20j नहीं आई आएगा, फिर माइनस 25j एरोहेड और 8। अब आई वालों को सॉल्व कर दीजिए और जे वालों को सॉल्व कर दीजिए आप, तो 26i एरोहेड माइनस 4j एरोहेड डिवाइडेड बाय 4 ठीक है। अब अलग अलग करके लिख दीजिए, यानी एलसीएम ब्रेक कर लीजिए, हमारे एक टीचर थे वो कहते थे एलसीएम आ रहा है एलसीएम ले लो और कॉमन आ रहा है कॉमन, तो यहाँ एलसीएम ब्रेक कर लेते हैं, 8 आ गया, 4 आ गया और 8 आ गया। अब आप लोग उनका टीचर का नाम जानते तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आई होप आप लोगों ने भी उनसे पढ़ा होगा। 26 डिवाइडेड बाई 8 तो 13i, मैंने तो उन्हीं से पढ़ा है और काफ़ी कुछ उनसे सीखा है,
तो 1/2 और ये जी, तो ये आपका आंसर आ गया 13/4 और -1/2 जी। ये तो एक हिस्सा था इसका। अब ऐसा एक और सवाल भी है, वो भी करते हैं, इसी तरह होगा वो भी। अच्छा अब देखें, मैंने सवाल अपडेट कर दिया है, सवाल यहाँ पे 2 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास, एम फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास है एम बी, इसको आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एम बी और इस पर एरोहेड दे दो, एन ए और नीचे सिंपल एम प्लस एम कर दो, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको ये पहचानना होगा कि ए क्या है, बी क्या है। तो देखो ए आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 3 I एरोहेड प्लस 5 J एरोहेड हो गया, और बी आपके पास क्या है, 11 I एरोहेड प्लस 8 J एरोहेड हो गया, एम क्या है आपके पास 3, एन क्या है आपके पास 2। अब इन सब वैल्यूज़ को आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, या हम कर देते हैं। तो 3 बी क्या है आपके पास, ये रहा 11 I एरोहेड प्लस 8 J एरोहेड, एन क्या है आपके पास 2 3 I एरोहेड प्लस 5 J एरोहेड और डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2। सॉल्व करिए कुछ यहाँ पर इसे, 33 I एरोहेड प्लस 24 J एरोहेड, बस 3 को मल्टीप्लाई करा दिया, ये ना एन नहीं है ये एरोहेड है, मैं थोड़ा सा इस तरह बना रहा हूँ कि वो एन मालूम होता है, प्लस 6 I एरोहेड प्लस 10 J एरोहेड 6, ठीक है। अब ज़रा इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए थोड़ा सा, 33 है और I I से होगा तो 33 6 तो कितना हो गया 39 I एरोहेड प्लस, इतने ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, 34 J एरोहेड 6, ठीक है। अब बस आपने क्या करना है, अच्छा एक हम शायद गलती कर रहे हैं, ये 6 कैसे हो सकते हैं, तो 5 होगा ना, ये तो 5 होगा, सिंपल बात समझ में आने वाली है, 5 होगा 6 नहीं होगा। अच्छा अब इसको मैं ब्रेक करके लिखूँगा, क्योंकि आंसर पीछे ब्रेक करके ही दिया होगा इन्होंने, तो हम भी ब्रेक ही कर देते हैं, हाँ पीछे ब्रेक करके ही दे रहे हैं आंसर सारे ना, तो ज़रा ब्रेक करके लिख लेता हूँ। आर एरोहेड आपका आ रहा है 39 I एरोहेड डिवाइडेड बाय 5 प्लस 34। असल में ना ये यूं इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि सिर्फ 39 के साथ आई नहीं है बल्कि 5 के साथ भी आई होता है, इसीलिए ऐसा नहीं करते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले ना ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं तो आपको बताओ, ठीक है। तो ये आपका जवाब बिल्कुल ठीक आ गया, 39 I 5 प्लस 34 5, ये हो गया। अब आओ इसका पार्ट 2 करता हूँ, ठीक है पार्ट 2 लिखता हूँ। अच्छा पार्ट 2 तो हो गया है, पार्ट 3 करेंगे, पार्ट 2 नहीं करेंगे, पार्ट 3। चलो आपके साथ ही लिख देता हूँ एक क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग भी देख लो कि एक क्वेश्चन लिखने में मुझे कितना टाइम लगता है, ये तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम शायद ना लगे। तो आप लोग ग्रुप में ज़रूर ऐड होना, यहाँ पर मैं जितनी भी मेहनत करता हूँ ये सारी मेहनत आप लोग ग्रुप में जब ऐड होते हो तो ही हम कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ग्रुप से फ़ीस आती हैं, जो ग्रुप से हमारे पैसे आते हैं, उन्हें हम यहाँ पर लगाते हैं आप लोगों के लिए, YouTube पर लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड करने के लिए। क्योंकि आपको पता है हम आपको हर तरह का मटेरियल YouTube पर दे रहे हैं, तो जिसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मुझे मैन पावर की ज़रूरत रहती है। अब मैन पावर आपको पता है पे करके ली जाती है, लोगों को पे करना पड़ता है, तो इसलिए अगर आप ग्रुप में ऐड होंगे तो हमें ये सब कुछ चलाने में बड़ा आसानी रहेगी। ये सेटअप मैं क्या करूँगा, एम लिखूँगा यहाँ और बी लिख दूँगा एरोहेड, एन लिखूँगा यहाँ मैं और एरोहेड लिख दूँगा और एम प्लस एन। अब मैं यहाँ पर आइडेंटिफाई करने लगूँगा कि ए क्या है बी क्या है। ए आपके पास है 2 I एरोहेड माइनस 3 J एरोहेड, बी अब तो आपको ये याद हो गया होगा एरोहेड एरोहेड, ठीक है एरोहेड, और यहाँ मैं एम को लिख देता हूँ आपके पास 4 और एन को लिख देता हूँ 3। एम और एन को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपने पहचानना होगा, मतलब सही तरीके से पहचानना होगा, वरना बड़ा मुश्किल होता है ये सवाल सॉल्व करना। 4 बी क्या देखें, 2 I एरोहेड प्लस 6 J एरोहेड 3
ए आ रहा है आपके पास 2, आई एरो हेड माइनस 3, जे एरो हेड। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। 4 + 3 वैल्यूज पुट कर दिए और कुछ नहीं करा मैंने, बस ये हो गया। फिर हेक्सागोन वाला सवाल होता है। 8 + 24 + 6 आई एरो हेड, इस पर एरो हेड नहीं, माइनस आएगा, माइनस 9 हो जाएगा आपके पास और 7 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका सवाल का जवाब आ गया है। आगे चलते हैं। तो 8 और 6 आपको पता है कितना आ जाएगा, 14 आई एरो हेड। ये एरो हेड तो आजकल सही भी नहीं बन रहा। तो मैंने जब जो है ना ये छोटा मतलब ये कट मारकर इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये एरो हेड बनाना ना बड़ा ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है कभी कभार। 24 और 9 15 जे एरो हेड और 7 तो एज़ इट इज़ रहेगा। अब ज़रा एलसीएम ब्रेक करिए। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ आपने टीचर का नाम लिख दिया होगा जो कि कहते हैं कि एलसीएम आ रहा हो तो एलसीएम ले लो और कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। अब वो ऐसे बोलते हैं, कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, एलसीएम आ रहा है तो एलसीएम ले लो। बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे टीचर हैं, मैंने ख़ुद भी उनसे पढ़ा है इंटर में, तो काफ़ी ही कुछ सीखने के लिए मिला है उनसे और काफ़ी मोटिवेट करते हैं। तो आप लोग नाम उनका ज़रूर लिखिएगा और किस कोचिंग में पढ़ाते हैं ये भी लिखिएगा, ठीक है। तो 2 और आप उनके कोचिंग में ही पढ़ते हैं तो भी बताइएगा, क्योंकि उनका खुद का भी अपना एक बहुत बेहतरीन कोचिंग सिस्टम है एजुकॉन्स के नाम से। मैं उम्मीद करता हूँ आप जो है उनको ज़रूर मिलेंगे। अच्छा देखो भाई, यहाँ हमारा ये हो गया 2i एरो हेड प्लस 15 upon 7j एरो हेड, एरो हेड नहीं है, एरो हेड, ठीक है। तो चलो अब ये हमारे हो गए हैं 8 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट। तो अब हम करेंगे अपना नवा क्वेश्चन, तो उसको करते हैं। तो स्टूडेंट, अब आपके सामने जो है मैंने क्वेश्चन नंबर 9 लिख दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ हेक्सागोन, ठीक है। ये है हमारा इस क्वेश्चन में समझने का काम। सबसे पहले तो हेक्सागोन होता क्या है ये समझ में आनी चाहिए बात। हेक्सागोन एक ऐसा शेप होता है जो 5 साइड्स रखता है। अब हेक्सागोन शेप किस तरह की होती है ये देखें सबसे पहले, क्योंकि हेक्सागोन शेप समझना बड़ा ज़रूरी काम है, फिर मैं उसका लॉ लिखवाऊंगा, ठीक है। हेक्सागोन शेप आपके पास कुछ इस तरह की होती है। अच्छा, और तमाम साइड्स एक जैसी होती हैं, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड और चौथी साइड, पांचवी साइड। ये हेक्सागोन नहीं है, पेंटागोन हो जाएगा। इसकी हमने 4 साइड जो है वो ड्रॉ करनी होगी, 5 साइड, ये पेंटागोन शेप हो जाएगा। तो हेक्सागोन थोड़ा सा ना इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, उसमें ना हमने एक साइड को कम करना होता है, ठीक है। ये इस तरह का आपके पास शेप आ जाएगा, ये एक हेक्सागोन शेप हो गया, ठीक है। अगर आपने जैसा मैंने पहले बनाया था ना वैसा बना दोगे तो वो एक पेंटागोन शेप हो जाएगा। इसका थोड़ा सा मैं ना तस्वीर वैसी बना देता हूँ जैसी बनती है ये। हाँ, ये एक हेक्सागोन शेप है। अब हेक्सागोन शेप है कैसे पता चल रहा है, इसकी 5 साइड है, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, पाँचवीं साइड, ठीक है। तो ये एक हेक्सागोन शेप हो गया। अब इस हेक्सागोन शेप को आप डील कैसे करोगे ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, याद रखना ये एक रेगुलर हेक्सागोन है। अब रेगुलर हेक्सागोन क्या होता है, जिसकी जो है वो 5 साइड्स बराबर हो। फॉर एग्जांपल, इस वर्टेक्स को ए कह देते हैं, ए नहीं कहते हैं, सेंटर कह रहे हैं ना ओ, तो इसको ओ कह दिया मैंने इस वर्टेक्स को, इसको मैंने के कह दिया, ठीक है। ये इस तरह के नाम देने की कोई वजह है वो मैं अभी बताता हूँ। इसको मैंने एल कह दिया, ठीक है, इसको मैंने एम कह दिया और इसको मैंने एन कह दिया, ठीक है। इसको वर्टेक्स को मैंने नाम दे दिए। वर्टेक्स क्या, जहाँ पर दो लाइन्स आपस में मिल रही हैं वो आपके पास वर्टेक्स हैं। यहाँ पे दो लाइन आपस में मिल रही हैं, यहाँ दो लाइन आपस में मिल रही हैं, यहाँ दो लाइन आपस में मिल रही हैं, यहाँ दो लाइन आपस में, तो ठीक है, वर्टेक्स हो गए। अच्छा, याद रखना है हेक्सागोन आपके पास वो होता है जिसमें 5 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5। अब इन साइड्स को भी नाम दे देते हैं, ए मतलब ओ से लेकर के तक जो साइड है वो ए है, और बी, ठीक है, फिर सी एस यूजुअल, डी, इसको कुछ नाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, इसको डी नहीं कह, इसको ई नहीं कह रहे हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर लॉ ऑफ हेक्सागोन क्या है, आपने लॉ ऑफ हेक्सागोन प्रूव करके बताना है कि लॉ ऑफ हेक्सागोन कैसा होता है। अब सबसे पहले तो याद रखना, एक वेक्टर है आपके पास ये ओ के, इस तरीके से बना रहा हूँ देखकर, एक वेक्टर है आपके पास के एल। अब मैं कहता हूँ इस वेक्टर ओ एल को
इस वेक्टर ओ के को के एल में ऐड करके दिखाएं, तो इसको कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी दो वेक्टरों को ऐड कर देना। तो चलो अब इसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक लाइन बनाई जो कि है हमारी ओ और के, ठीक है। अब मैंने फिर ये दूसरी लाइन रख दी जो कि है हमारी के और एल, ठीक है। अब एरो बना दिया यहाँ मैंने एरो। तो लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है आपके पास, कि एक वेक्टर की टेल को, देखो ये टेल है, ये टेल है, दूसरे वेक्टर की हेड से मिला देना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक रिजल्टेंट ड्रॉ कर देना। रिजल्टेंट क्या, इन दोनों के मिलने से एक लाइन बन रही है, इसको बोलते हो आप रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट क्या होगा, आपने क्या किया, इसको कह देते हैं ए, इसको कह देते हैं बी, तो ए प्लस बी होगा आपके पास, समझ गए। इसको कहते हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ भी हमने अभी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही यूज़ करना है। तो ये समझ में आ गया ना आपको, इस साइड को ए कह दिया, इस साइड को बी कह दिया मैंने, तो इन दोनों को मिलाया, इन दोनों को ऐड किया, आर के बराबर आया। और आर वाली साइड कौन सी है, ये ए वाली ये है और बी वाली ये साइड है। तो ये है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब यही लॉ इधर भी लगेगा, चेक करो कैसे। सबसे पहले आप एक लाइन बना लो, डॉटेड लाइन। डॉटेड इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्ट की है। उसके बाद ये लाइन बना लो, उसके बाद ये लॉ समझा देता हूँ, ये लॉ क्या कह रहा है, ठीक है। ये दो लाइन आपने ड्रॉ कर ली, सिंपल आपके पास आ गई। कहते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन लॉ के मुताबिक, इफ साइड्स ऑफ हेक्सागन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, हेक्सागन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये जो साइड्स है ना, ये क्या है, ये वेक्टर है, वेक्टर, और ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स हैं। ओ के क्या है, वेक्टर, और ए क्या है, उसका मैग्नीट्यूड, यानी वो साइड कितनी बड़ी है, ठीक है। मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होता, मैग्नीट्यूड ये होता है, फॉर एग्जांपल ये लाइन मैंने ड्रॉ की, ये लाइन को मैंने ए कह दिया। अब ये कितनी बड़ी है ये लाइन, फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर की है, तो ये 10 सेंटीमीटर इसका मैग्नीट्यूड है, यानी लाइन कितनी बड़ी है, उसकी वैल्यू क्या है, उस वैल्यू को ही मैग्नीट्यूड कहा जाता है, कोई नई चीज़ नहीं है मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये समझ आ गई बात। अच्छा, तो जो साइड है, उस साइड का जो ये ए है, ये मैग्नीट्यूड है। अच्छा, देन क्लोजिंग साइड्स ऑफ हेक्सागन रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। अब क्या कह रहे हैं, जो क्लोजिंग साइड है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये साइड थी 1, इसको मैंने ऐड कर दिया दूसरी साइड, यानी एक वेक्टर था मेरे पास ए, उसको मैंने ऐड कर दिया वेक्टर बी में, जैसा मैंने यहाँ बताया। तो जब दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। देखो मैंने कहा ना, जब दो वेक्टरों को ऐड करेंगे तो एक रिजल्टेंट बनाएंगे जिसे हम कहेंगे आर। तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या बनेगा, ओ एल, ठीक है। ओ एल किसके बराबर आएगा, ए बी के बराबर आएगा, अभी वो लिखेंगे हम, ठीक है। अच्छा, तो जब आप जो क्लोजिंग साइड है वो क्या हो जाएगा, मतलब जब साइड को क्लोज करोगे, यानी दोनों साइड्स को जब क्लोज करोगे तो एक रिजल्टेंट बनेगा। फॉर एग्जांपल ये लाइन है, ये लाइन है, इसको जो क्लोज कर रही है लाइन, इस लाइन को जो क्लोज कर रही है वो क्या है, रिजल्टेंट, जिसे आप आर भी लिख सकते हो। अगर आर नहीं लिखना तो ओ एल कह दो, क्योंकि मेरे पास यहाँ ओ है, यहाँ के है, यहाँ एल है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ओ एल भी लिख सकते हैं। अब इस लॉ को प्रूफ करने का तरीका देखो। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो ट्रायंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, मेरे पास ट्रायंगल बन रहा है ओ एल, सॉरी ओ के एल। तो मैं ओ के एल वाले ट्रायंगल पे स्टडी करूँगा, ओ के एल। अभी मैंने क्या बताया आपको, कि जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हो तो आपके पास एक रिजल्टेंट आता है, और वो ये रिजल्टेंट है, ये डॉटेड लाइन वो रिजल्टेंट है, ठीक है। तो मेरे पास रिजल्टेंट क्या है, ओ एल, और ये किन दोनों को ऐड करके बना मेरे पास, ओ के प्लस के एल को ऐड करके बना। अच्छा, ओ के किसके बराबर है, यहाँ पर देखो, हेयर, हेयर लिख लो ये बराबर में ना, हेयर। ओ के किसके बराबर है, ए के बराबर है। के एल किसके बराबर है, बी के बराबर है ना, तो मैं यहाँ बी लिख दूंगा। तो ओ के की जगह, ओ एल की जगह, ओ के की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए, और के एल की जगह क्या लिख दिया मैंने, बी। तो मेरे पास ओ एल किसके बराबर आ रहा है, ओ एल मेरे पास बराबर आ रहा है ए प्लस बी के बराबर आ रहा है। मेरे साथ एज इट इज लिखते रहो। अच्छा, अब एक और ट्रायंगल भी बन रहा है, ओ एल एम। अब इसको भी स्टडी करो, ट्रायंगल ओ एल एम। अच्छा, ये वाली साइड, ये वाली साइड, इसको क्लो, ये दो साइड्स हैं आपके पास। देखो, एक साइड हो गई आपके पास ओ
एल और एक साइड हो गई आपके पास एल एम। इस साइड को जो क्लोज कर रहा है वो क्या है, रिजल्टेंट। तो ये जो आ गया आपके पास ओ एम, ओ एम आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, ये ओ एम क्या है आपके पास, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट लिख लो या ओ एम लिख लो, बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो दो वेक्टर हैं, ऐड कर लो सिंपल। तो ओ एम आ गया आपके पास, यानी रिजल्टेंट अभी मैं बना के दिखाया आपको। तो ओ एल और एल एम को आपने ऐड किया तो आपके पास क्या बना, ओ एम बना आपके पास। दो रिजल्टेंट को ऐड कर, दो वेक्टर को ऐड करते हो तो रिजल्टेंट आता है, याद रखना। मैं इसको थोड़ा और आसान करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो, ये ओ एल आपने हेक्सागन से बाहर निकाल लिया, ऐसे करके आ गया आपके पास, है ना। फिर आपने एल एम बाहर निकाल लिया, ऐसे कर कर आ गया। हमने कब बताया कि जब दो वेक्टरों को आप ऐड करते हो, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देन क्लोजिंग साइड्स ऑफ हेक्सागन रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट यानी देखो जो लाइन क्लोज कर रही है दो वेक्टर को वो क्या है, रिजल्टेंट, है ना, रिजल्टेंट, है ना। एम चाहो तो रिजल्टेंट लिख लो या ओ एम लिख लो, क्योंकि ये ओ एम ही है आपके पास। ठीक है, तो समझ गए ना। अब ओ एल आपने क्या निकाला था, ओ एल आपने निकाला था ए प्लस बी प्लस एल एम किसके बराबर है, सी के बराबर, सी आ गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अब जगह नहीं है यहाँ, आप लिख लेना अपने पास से ए प्लस बी प्लस सी। मेरे पास बिल्कुल जगह नहीं है वरना मैं लिख देता, चलो मैं लिख देता हूँ कोशिश करके सी। ठीक है, थोड़ा बहुत कर करके लिख दिया। अच्छा, अब मैंने निकालना है ओ एन, ओ एन। अब ट्राइंगल कौन सा बन रहा है ओ एन पे, ओ एम एन ट्राइंगल, ओ एम एन। अब देखो एक साइड हो गई आपके पास ओ एम, है ना, एक साइड आपके पास कौन सी हो गई, एम एन। तो जो साइड इसको क्लोज कर रही है वो कौन सी होगी, बिल्कुल ठीक, रिजल्टेंट होगी। तो क्या आ गया मेरे पास, ओ एन, ओ एम और कौन सी साइड से मिलके बना, एम एन, एम एन। ठीक है, अब ओ एम क्या निकाला था, ए प्लस बी प्लस सी और एम एन किसके बराबर है, डी। तो ये है आपके पास लॉ ऑफ हेक्सागन, इट इज लॉ ऑफ हेक्सागन। ठीक है, ये है आपके पास आपका लॉ ऑफ हेक्सागन। तो ये आपका लॉ ऑफ हेक्सागन प्रूफ हो गया। यहाँ रिजल्टेंट आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओ एन की जगह आप रिजल्टेंट भी लिख सकते हो। तो ये होता है आपके पास लॉ ऑफ हेक्सागन। तो यहाँ पे ने क्या किया था, ओ एल की जगह ए बी पुट किया, यहाँ मैंने क्या किया ओ एम की जगह ए बी सी डी पुट किया, और यहाँ मैंने क्या किया एम एन की जगह डी पुट किया। तो इसको आप अपने पास लिख लेना, जो मैंने आपको समझाया वो लिख लेना। और ये लिखा हुआ है कंसीडर अ रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ। तो आप चाहो तो इसको ए बी सी डी ई एफ भी बना के लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने इसको ए बी सी डी ई एफ इसलिए नहीं बनाया था ताकि आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो आप इसको ए बी सी डी ई एफ नहीं लिख सकते क्योंकि हमने ए बी सी डी ई एफ कंसीडर ही नहीं किया। हम यहाँ लिखेंगे आई थिंक ए बी सी डी भी सही रहेगा, हाँ सही है, ए बी सी डी ई, ई ए वाली साइड को कह रहे हैं, ये रिजल्टेंट वाली साइड को। तो ए बी सी डी ई एफ ही लिख लो, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ए बी सी डी ई, ठीक है, एफ आए तो आ जाए, नहीं आए तो कोई मसला नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई। आपको मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ आ गई होगी, कोई मुश्किल नहीं हुआ होगा समझने में। लॉ ऑफ हेक्सागन मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर हमारा आज की वीडियो कंप्लीट हुई। अब कल की वीडियो में हमने क्वेश्चन 10, 11, 12 वो बड़े क्वेश्चन हैं, 13, 14, 15 करने हैं क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा ना, इसलिए वो कल करा दूंगा इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।